लीजिए, डब्बा खोले, उसका बनाए वीडियो। खाएगी नीचे कर तो खाती हो। उसकी अम्मा भी रोती है दुकान पे बैठ के, कौन ले गया मेरे बच्चे को। गाइस तो आज आपको लेके चल रही हूँ, ये आप सोचते होंगे मैं कहाँ आ गई हूँ। तो एक्चुअली ये मैं अपनी मम्मी के आई थी। ये ऊपर का माला यहाँ भी बन रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पोर्च में बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन बन गया है, तो होप कि आप लोग को दिखे। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन रहा है, जो जब पूरा बन जाएगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। तो ये आगे का एरिया है पोर्च का, और एक ये भी है जिसे हमने सोचा है छोटा सा मिनी गार्डन बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से है। ओके, इधर एक वॉशरूम है, इधर से सीढ़ियाँ ऊपर गई हुई हैं, इधर हॉल बन रहा है, और एक ये रूम है यहाँ पर। आई थिंक या रैक्स अलमीरा बनने के लिए ये बन रहा है। तो अभी तो कुछ इस तरीके से ही है, वायरिंग वगैरह का काम भी चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो धीरे धीरे करके बनेगा, ये देखें कुछ बिजली के काम हुए हैं, अभी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। ये पूरा बालू भरा पड़ा है, तो चलिए चलिए ऊपर देख लेते हैं। ऊपर आ रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ से सीन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और फैमिली के सभी लोग अभी ऊपर ही हैं। मुझे आज ही रिटर्न भी जाना है। गाइस तो मैंने केक ले लिया है, आई डोंट नो आप लोग को आवाज़ आ रही है। हे गाइस, तो पापा का मेरे बर्थडे था, उसी का मैं केक लेने के लिए गई थी। आगे मैंने कुछ फोटोज लगा। गाइस दिस इज़ द बर्थडे केक, आई होप आपको अच्छा लगे। एक्चुअली हम लोगों ने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, बस कुछ पिक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप देख लें। तो ये जो पिक्स है ये मिड नाइट की, हमने पापा को रात में पहली बार जगा करके केक कटवाया। सो गाइज, आप सबको पता है कि फैमिली का समय सबसे अच्छा सबसे खूबसूरत होता है, इसीलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं कम समय के लिए गई हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने साथ में एंजॉय किया, वीडियोस नहीं है, कुछ पिक्स हैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये गाइस तो आप देख रहे हैं नायका का बॉक्स, और उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। बड़ा मज़ा आता है अनबॉक्सिंग करने में। तो हमने नायका से कुछ सिंपल सामान मंगाए थे जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो गाइस ये इज़ द प्रोडक्ट। तो हमने सिर्फ दो ही प्रोडक्ट मंगाए थे, एक है कैटाफिल और एक है रेटिनॉल। तो दोनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और कैटाफिल को तो आपको मैंने पहले भी बहुत रिकमेंड किया होगा आई एम श्योर, क्योंकि मैं हमेशा से इसके यूज़ करती हूँ। अगर मेरे हिसाब से अगर बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम कहा जाए तो ऑब्वियसली ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि हमारी फैमिली में अब सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, तो हमने थोड़ा बड़ा डिब्बा ही मंगा लिया था। आप देख रहे हैं कैसे अनबॉक्सिंग हो रही है। और साथ साथ रेटिनॉल है, तो ये आर है, रेटिनॉल आर, ये भी बहुत ही अच्छा है। तो गाइस दिस इज़ रेटिनॉल आर, ये आर है, ए भी आते हैं, इवन इसमें बहुत सारे आते हैं। तो ये जो है फेस सीरम है, इसको आप फेस ऑयल आप कह सकते हैं। तो आपने बहुत सारे फेस ऑयल या फिर आप इसमें देखते होंगे जो भी फेस क्रीम वगैरह आते हैं, उसमें रेटिनॉल कुछ मात्रा में पाया जाता है, बट क्योंकि ये रेटिनॉल प्योर है तो उसमें रेटिनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए और ई भी भरपूर मात्रा में है। तो अगर आप 30s में आ चुके हैं, 30 साल के हैं या 30 के ऊपर के हैं, तो आई एम श्योर आपको इसको एक ट्राई तो ज़रूर देना चाहिए। एक तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 2-3 बूंद लगता है मुश्किल से, और काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा। तो एक बार आप ट्राई करिएगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।
और कैटाफिल तो मैंने आपको बता ही दिया मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है। और ये बड़ा वाला हम लोगों ने मंगाया, इसका रेट आप देख ले, रेट अप्रोक्स ये 1090 लिख रहा है एमआरपी रेट, बट ये इससे थोड़ा सा कम रेट में ही हमें मिल गया था नायका से, वहाँ पे कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहे थे। तो ये बहुत अच्छा, इसे आप मंगा लेंगे और ये सालों सालों तक आपका आराम से चलता रहेगा, बहुत ज़रा सा अमाउंट में लगता है ये। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो एक्चुअली आज मैं आ गई हूँ, मम्मी के पास आई हूँ क्योंकि पापा का बर्थडे था, इसलिए मैं आ गई थी और यहीं से क्लास ले रही हूँ अपनी। और ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ मेरा घर पे ही है, तो यहाँ पे मेरा जुगाड़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो ये देखिए, ये है मेरा जुगाड़, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से जुगाड़ किया। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन को रखूँगी, तो बस आज का ये जुगाड़ है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ करने ही पड़ते हैं। तो बस अब मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं जा रही हूँ और बेस्ट ऑफ लक टू मी, मेरी क्लास अच्छी सी जाए। ओके, इंशाल्लाह। ओके, बाय। Very good, very good. I'm very happy to see that you all are already ready and you have taken a get up also. Okay, very happy. Okay, now we are ready. Thank you, Tanush. Okay, so one by one I'm going to unmute all of you and you have to recite a poem, okay, with action, okay? What ma'am have already told you na in my earlier classes. Okay, thank you. Okay, so I will try that I will unmute all of you, okay? So first, let me see who came first. Okay, it's Aishani Yadav. Aishani Bhai Yadav, it's your turn, beta. I have already unmuted you. Yes. Yes, beta, say. Yes, I'm listening you. Very good. Wow. तो गैस, ये एक छोटी सी क्लिप है। एक्चुअली मैं अपना क्लासेस कर रही थी, तो मेरी बहन ने ये वीडियो बना ली और दिखाने के लिए की, और उन्होंने कहा कि सच में ये बहुत ही नाइस एफर्ट है टीचर्स का। तो उन्होंने बोला ये तुम्हें शेयर करना चाहिए लोगों के साथ कि सच में आप कितना मेहनत करते हो। और मुझे भी अच्छा लगा, ये क्लिप मेरे पास थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह जुगाड़ करके इस तरीके से हम काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी अच्छी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और व्लॉग्स लेकर के आती रहूंगी आपके बीच। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।